फेस्टिव सीजन में मिलने वाले ढेरों आकर्षक ऑफर्स तो आपने देख लिए, लेकिन हमारी आपसे सलाह है कि सिर्फ इन तोहफों को देखकर ही फ्लैट बुक कराने का फैसला ना लें। प्रॉपर्टी और बिल्डर्स के बारे में अच्छी तरह से छानबीन के बाद ही फ्लैट बुक कराने का फैसला लें। आइए देखते हैं प्रॉपर्टी खरीदने से पहले किन बातों का खास ख्याल रखना होगा। फेस्टिव सीजन पर मिलने वाली लुभावनी स्कीम्स के लालच में ना आएं, ये स्कीम्स आपको ठगने के लिए एक छलावा भी हो सकती है। फ्री में मिलने वाली टीवी, फ्रिज, मॉड्यूलर किचन, विदेश घूमने का मौका, गाड़ी वगैरह के पीछे भागने के बजाय अच्छी तरह प्रोजेक्ट और बिल्डर की रिसर्च करें। पूरी तसल्ली होने के बाद ही निवेश का फैसला लें। एवरी बायर शुड बी केयरफुल, क्योंकि ये नहीं कि बिकॉज वो थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा है कि वो ले लेंगे। अभी भी उनको ये चेक करना चाहिए कि डेवलपर रेपुटेशन क्या है, अप्रूवल्स हैं कि नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट जरूर ठीक तरह पढ़ें। ऐसे में मकान खरीदने से पहले खरीदारों को बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में पूरी तरह छानबीन कर लेनी चाहिए। इसमें यह देखना चाहिए कि बिल्डर ने कितने प्रोजेक्ट बनाए हैं और कितने प्रोजेक्ट का पोजीशन दे दिया है, बिल्डर का मार्केट रेपुटेशन कैसा है, साथ ही प्रोजेक्ट से संबंधित जुड़ी बातें, मसलन नक्शा, कंस्ट्रक्शन, कीमत, एरिया की जानकारी जरूरी है। इसके अलावा खरीदार को ये जरूर देख लेना चाहिए कि प्रोजेक्ट कहीं दूर दराज के इलाके में तो नहीं बन रहा। जानकारों का कहना है कि घर खरीदते वक्त सिर्फ महंगे उपहारों को नहीं देखना चाहिए, जरूरी यह है कि प्रोजेक्ट और बिल्डर को देखकर ही घर खरीदने का फैसला लिया जाए। आप गिफ्टें और कार या हॉलीडे या आपको अभी लेटली फ्री ट्रेनिंग ऑफ सम स्पोर्ट कि आपको फ्री ट्रेनिंग करवा देंगे, ये सारी चीज़ों की तरफ ल्योर नहीं होने की जगह है, आपको ये देखना चाहिए कि क्या जो मैं घर खरीद रहा हूँ वो मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है, जैसा मुझे चाहिए और जहाँ पे मुझे चाहिए। अगर सावधानी से काम लिया जाए तो इतने ऑफर्स के बीच बढ़िया डील खोज निकालना कोई मुश्किल का काम नहीं है। बस घर खरीदने में जल्दबाजी ना करें और पूरी संतुष्टि होने के बाद ही चेक पर साइन करें। प्रॉपर्टी प्लस के लिए रामेश्वर मिश्रा। फर्नीचर और फर्निशिंग से जुड़ी कंपनियां भी ग्राहकों को खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। फर्नीचर और फर्निशिंग में किस तरह के ऑफर मिल रहे हैं, ये होगा एक ब्रेक के बाद।